क्वेश्चन इज द प्रोसाइड पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द कंजर्व सीक्वेंस मोटिव फॉर अ न्यू फैमिली ऑफ ए एम पी इज़ यहाँ पर आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है फॉलोइंग प्रोटीन इज लाइकली टू बाइंडिंग फंक्शन तो इन ऑप्शन को देख करके आपको पता करना है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से कौन सा जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है तो अगर हम यहाँ से फर्स्ट पोजीशन देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है एल आई वी एम एफ वाई जिसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन में इनमें से कोई भी रेजडी हो सकता है एल भी हो सकता है तो पे वाई भी हो सकता है आई भी हो सकता है एम भी हो सकता है एफ भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है अगर हम इस को देखें तो पहली पोजिशन पे एल है मतलब करेक्ट है ये सेकेंड पे एम है हो सकता है ये भी करेक्ट है इसमें भी एल है हो सकता है इसमें भी अभी इसके अकॉर्डिंग तो चारों ऑप्शन करेक्ट है अब हम सेकेंड पोजिशन पर देखें तो एक्स टू लिखा हुआ है सेकेंड एक्स टू का मतलब है सेकेंड पोजिशन पर एक्स का मतलब कोई भी रेजिटिव एनी रेजिटिव सेकेंड पोजिशन पर ये फर्स्ट पोजिशन थी सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन पर दो पोजिशन पर जस्ट बिकॉज यहाँ पे टू लिखा हुआ है कोई भी रेजिटिव हो सकता है सॉरी तो यहाँ पे दो पोजीशन पे कोई भी रेजिटिव हो सकता है नेक्स्ट है थर्ड पोजीशन थर्ड पोजीशन पर फोर्थ पोजीशन पर क्या हो सकता है एस टी जी या तो एस आएगा या टी आएगा या जी आएगा स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है और एस और टी और जी तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे थर्ड फोर्थ पोजीशन पे एम आ रहा है इसका तो मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है यहाँ पर देखें तो टी आ रहा है टी आ सकता है एस टी जी में टी आ सकता है नेक्स्ट है यहाँ पर एम आ रहा है तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है फोर्थ पोजिशन देखेंगे तो यहाँ पे टी है फोर्थ ऑप्शन में टी है तो ये ऑप्शन करेक्ट है अब हमें सेकेंड और फोर्थ पोजिशन में चूज करना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अब अगर हम उसके बाद फिफ्थ पोजिशन पे जाए फिफ्थ पोजिशन में देखेंगे तो एस टी ए जी इनमें से कोई भी रेजोल्यू आ सकता है तो यहाँ पर देखें हम फिफ्थ में यहाँ पे ए है हो सकता है और यहाँ पर भी ए है तो ये भी हो सकता है दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं अब हम सिक्स पोजिशन पर जाएंगे तो सिक्स पोजिशन में क्या है जी फिक्स है तो सिक्स पोजिशन पर जी ही होना चाहिए तो इसमें सेकेंड ऑप्शन में जी है जबकि फोर्थ ऑप्शन में वाई है तो ऑप्शन फोर्थ इन करेक्ट तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन टू सेकेंड ऑप्शन विल भी करेक्ट